भारतीय रेलवे के नए बॉस अश्विनी लोहानी पदभार संभालते ही एक्शन में हैं। लोहानी सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं और जो कुछ भी अभी तक चला आ रहा था उसे बदलना चाहते हैं। रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं के बाद नए चेयरमैन बनाए गए अश्विनी लोहानी ने पद संभालते ही नए कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन लोहानी ने मंत्रालय के अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि सिस्टम में पर्याप्त बदलाव लाने के लिए वीआईपी संस्कृति को रोकना होगा। लोहानी ने साफ कर दिया है कि अब सभी रेलवे अधिकारियों के उपहार स्वीकार करने पर सख्त प्रतिबंध होगा। साथ ही उन्हें अनावश्यक प्रोटोकॉल को छोड़ने के लिए कहा गया। लोहानी वीआईपी संस्कृति को तुरंत खत्म करना चाहते हैं। अश्विनी लोहानी ने गुलदस्ते, उपहार और खुशामद करने की परंपरा को खत्म करने का सख्ती से आदेश दिया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। वहीं गुलदस्ता और उपहार संस्कृति को छोड़ने के आदेश दिए। डीआरएम को सभी कर्मचारियों को बराबर मानने को कहा है और ग्राउंड स्टाफ के हर सुझाव पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। इस संस्कृति को खत्म करने के लिए सीआरबी ने रेल भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के कक्षों से नेम प्लेटें हटाने के आदेश भी दिए हैं। रविवार को लोहानी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यालयों के आराम से फाइलों को निपटाने की बजाय फील्ड ड्यूटी में अधिकतम समय बिताएं। लोहानी ने कहा कि भारतीय रेलवे का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है और इसका प्रदर्शन दुनिया के अग्रणी रेलवे संगठनों के साथ तुलनात्मक है, लेकिन हाल की घटनाओं के कारण इसकी छवि पर असर पड़ा है। कमियों पर काबू पाने के लिए जमीन पर काम करने वालों से प्रत्यक्ष परिवर्तन होना चाहिए। खबर है कि सीआरबी ने अब शनिवार को भी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यालय से संबंधित कार्यों के लिए कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। राहुल कुमार, एपीएन दिल्ली।